हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आयत आईटी सर्विसेज में लेकर। ठीक है दोस्तों, कल से एक मैसेज जो है आप लोगों ने अपने स्टेटस को चेक किया होगा और स्टेटस चेक करने के साथ ही दो मैसेज जो है आपको जो है आ रहा होगा। जब अपना आप स्टेटस चेक करते हैं, जब आपके मोबाइल एक मैसेज आता है तो कुछ मैसेज कुछ किस तरीके का आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की तरफ से एक नोटिस भी जारी हुई, क्या नोटिस जारी हुआ सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़, कुछ इस तरीके का एक मैसेज आया हुआ, वो मैसेज आप लोगों ने देखा भी होगा, करीब करीब सबके मोबाइल पे आया हुआ। यहाँ पे डियर एप्लीकेंट, यू आर रिक्वेस्ट टू गेट योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डन फॉर योर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना है, अगर आपने अपना बायोमेट्रिक्स नहीं करा है तो उसको अपडेट करा लें। किस केस में? माइनर के केस में। लेकिन सभी लोगों ने अपना जो है स्कॉलरशिप अपडेट कराया होगा और बायोमेट्रिक्स कराया होगा। अगर नहीं कराया तो दोस्तों फिर भी आप लोग एक बार अपने जाके उसको करा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर नहीं करा पाते हैं तो लिखा प्लीज विद द रिसीप्ट प्लेस अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड। आप अपनी आधार कार्ड की कॉपी ले जाकर अपने इंस्टीट्यूशन में उसको सबमिट करा दे। ये मैसेज करीब करीब सबका आ रहा है। यहाँ पर लोग बायोमेट्रिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि बायोमेट्रिक्स कैसे गए। तो बायोमेट्रिक्स के लिए दोस्तों आपको बैंक में जाना होगा। ये बायोमेट्रिक्स जिसको कहते हैं कि आपकी फिंगर वगैरह, ये फिर से जो है क्योंकि चेंजिंग होती है कुछ, मतलब जैसे जैसे जो है ग्रोथ होती है तब वो जो है चेंज होती है। तो आपने कराया होगा तो खैर उसको कराने लगे, करा लेंगे तो अच्छा, नहीं कराएंगे तो आप उसकी कॉपी ले जाकर उसको जमा करा दीजिए। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहां पे दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की तरफ से भी ये नोटिस को जारी किया जा चुका है, पब्लिक नोटिस है। आप पहले नोटिस को, इसमें टोटल चीज़ें जो है कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलरशिप अंडर द स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ माइनॉरिटी अफेयर नेशनल स्कॉलरशिप रिगार्डिंग टू रिवैलिडेशन, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। रिवैलिडेशन के बारे में आपको ये मिला होगा और यहाँ पे आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यहाँ पे बायोमेट्रिक्स का जिक्र किया गया है। इसमें भी बायोमेट्रिक्स के जो है क्राइटेरिया को रखा गया कि आप अपने जो भी है उसको बायोमेट्रिक्स को करा ले। आधार बेस्ड लिखा हुआ, ऑथेंटिकेशन देखिए लिखा हुआ है, तो यानी इसका मतलब कि आपके जो है इन केस द एप्लीकेशन बिलो 18 एज तो आधार डिटेल एज अ लीगल गार्जियन ऑफ बी अपडेट। अगर आपको जो है कम है तो उसको आप ज़रूर करा ले और करा के जो है चीज़ें होती हुई चली जाएँ। तो आपको घबराना नहीं है, आप अपने बैंक जो है ले जाकर उसको जमा कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं कि SNO DNO INO HO अप्लीकेंट बाई ऑर्गेनाइज स्पेशल, यानी आपको अपने जो भी है इनके थ्रू आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होता है। अब वेरीफाई होने के साथ ही ये सारी चीज़ें, लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन से फिर से जो है वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं अकेडमिक ईयर, ये जो है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट बेनिफिट फॉर द अकेडमिक, यानी यहाँ पे जो फंडिंग होने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन होना शुरू किया जा चुका है। फिर से वो वैलिडेट करेंगे और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो घबराने नहीं दोस्तों, आप अपने खुल जा रहा है आपका जो आया हुआ है 10 तारीख तक, आपको अपने कॉलेज पे एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत से लोगों का वो जो है चेक किया है और ये 1/8/2023 का मैसेज है। आप लोग मेरे स्टेटस को भी देख सकते हैं 1/8/2023 15/3/56 पर, यू एप्लीकेशन हैज बीन सेंड बैक टू द इंस्टीट्यूट रिवैलिडेशन बाय, यानी उसको फिर से वापस कर दिया गया है कॉलेज को और कॉलेज इसको चेक करके बताए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है देना है। अब यहाँ पे जब तक मेरी लिस्ट नहीं बनेगी तब तक ये चीज़ें नहीं होनी है, और मेरी लिस्ट जिनकी बनेगी उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी क्योंकि मेरी लिस्ट बनती है सारी चीज़ें होने पर। अब यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की तरफ से ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक बार इसको कॉलेज में जाइए और अपने आधार वगैरह को वहाँ सबमिट ज़रूर करा दीजिए ताकि ये सारी चीज़ें हो सके। अब रही बात कि यहाँ पे इसको चेक कैसे करेंगे, आपके साथ आपको अगर अपने स्टेटस को भी चेक करना हो तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे, अपने स्टेटस को आप कैसे जानेंगे, तो वीडियो में ऑलरेडी बताता रहा हूँ लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ कि आपको होम पेज पर आ जाना है। जैसे आप होम पेज पर आएंगे, होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर प्रीवियस ईयर इंक्लूड 22/23 का लिखा हुआ, अब 23/24 में तो है नहीं, 22/23 पर आपको आ जाना है। 22/23 पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका एकेडमिक ईयर क्या है, क्योंकि आपने 22/23 ये है जो रहा है उस टाइम उसको चेक सेलेक्ट कर लीजिए। 22/23 का हमको चेक करना है। उसके बाद रिफ्रेश है कि रिन्यूअल, इसको चेक करिए। आईडी पासवर्ड है, ठीक है, आईडी पासवर्ड वो डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद उसको डालना है। तो मैं उसको भी दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें यहाँ डाल दी, यहाँ अकेडमिक ईयर डाल दिया है, ये रिन्यूअल है क्योंकि 20/21 का है अभी, क्योंकि ये 21 में उसने हुआ तो अब ये 22/23 तक चलता गया है। ये कैप्चा डाल दिया और कैप्चा में लॉगिन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अगर सब कुछ सही होगा तो ये प्रोसेस में चला जाएगा। और जैसे ही प्रोसेस में देख सकते हैं कि नीचे वेटिंग पे गया हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेस होने लगा। अब अगर होगा तो आसानी से खुल के आपके सामने आ जाएगा, आप अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी है उसको ले जाके कॉलेज में ज़रूर से सबमिट करा दें ताकि आसानी से सारा काम हो सके। ठीक है, तो अभी देखिए जो है प्रोसेस चल रहा है दोस्तों,
और उम्मीद है कि प्रोसेस पूरा हो जाता है ताकि सारी चीज़ें क्लियर बाई क्लियरिटी होती हुई चली जाए। ठीक है, तो खुल जाता है तो मैं आपको देख सकते हैं कि सर्वर जो है अभी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि काफ़ी लोग जो है इस पर चेकिंग चल रही थी। इसका मतलब कि आप अपने स्टेटस को ज़रूर से चेक करते रहिए ताकि ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।